उस रोज लाहौर के जलसों से खिताब करने वालों में शायर आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने स्टेज पर बड़े पुर हजाब अंदाज में चंद रोज कबल देखे गए अपने ख्वाब को आवाम को सुनाया। अल्लामा इकबाल ने अपने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुलाकात को जज्बात में बहकर इन अशार में पुरोया था। उन्होंने अपने इशार में हज़रत मोहम्मद ने कहा, तुम इस दुनिया के बगीचे से एक महक बनकर आए हो, बताओ मुझे क्या हदिया तबरक लेकर आए हो। कहा मैंने, या मोहम्मद, दुनिया में चैन ही नहीं है, मुझे कोई नजर आती नहीं उम्मीद की कोई किरण। इस दुनिया के बागीचे में हजारा गुल और लाला है मौजूद, लेकिन नहीं इनमें कोई रंग बू, सब ही हैं बेवफा। लेकिन एक चीज लेकर आया हूँ मैं, सिर्फ एक बोतल लहू मुकद्दस जिसकी नहीं कोई नजीर। नामूस है ये, विजदान है ये, लीजिए ये है चना कले के शहीदों का लहू।